नमस्कार दोस्तों, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं बात करने जा रहा हूं सीमा हैदर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर एक अपने प्यार को पाने के लिए। बात कर रहा हूं सीमा हैदर और सचिन की। एक तरफ सीमा हैदर के जो पति हैं, जो कि पाकिस्तान में हैं, उनका हाल बेहाल है दो तरीकों से। एक तो धर्म परिवर्तन कर लिया है सीमा ने, दूसरा पाकिस्तान की जो नाक यहाँ से गई थी वो नाक यहाँ से जा चुकी है। अब सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जाए तो जाए कहाँ, मुंह कहाँ पर दिखाए। तो आज सूत्रों से खबर प्राप्त हो रही है, कहा जा रहा है कि एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा का बैग पैक हो सकता है और पाकिस्तान सीमा जा सकती है। लेकिन वहीं सीमा रो रो करके बहुत परेशान है और कह रही है कि भारत सरकार मुझे यहाँ की नागरिकता दे या मुझे जेल भेज दे, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथी और कुछ ISI के जो एजेंट और इसके अलावा भी कुछ डाकू टाइप के जो लोग हैं कि सीमा को ताक कर बैठे हैं कि कैसे भी सीमा पाकिस्तान में आए और उसे मार दिया जाए। अगर उससे वो बच जाती है तो वहाँ का कानून ऐसा है कि सीमा को सजाए मौत दे दी जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि लोग जो भारत के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसको यहाँ से भगाओ, ये एजेंट हो सकती है, ये मतलब कई तरीके की लोग बातें कर रहे हैं, तो कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि सीमा हैदर के साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्या उन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए या भारत में ही नागरिकता दे देना चाहिए। आपने गदर फिल्म देखी होगी, उस गदर फिल्म को देख कर ये चीज़ें बार बार याद आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा ने गदर फिल्म को देख कर के ये ऐसा कार्य किया, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया के लिए फ्लाइट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने कर्मों से मारा जा रहा है। अगर उसने इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखे होते तो शायद आज इंडिया आने जाने का साधन जो फ्लाइट का है वो हो रहा होता और बस के द्वारा भी जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने वो अपने व्यवहार नहीं रखे, इसलिए सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से बॉर्डर पार करते हुए चार बच्चों को लेकर भारत में प्रवेश कर गई। बस देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इलीगल तरीके से इन्होंने आने का जो प्रयास किया है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें ज़रूर बताइए और सीमा हैदर को सुनिए कि आखिर सीमा हैदर की क्या सच्चाई और क्या ये कहानी है। बने रहिए हमारे साथ।